हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिनेश वर्मा एंड आई एम फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नागांव कोटा। एंड टुडे आई विल टीच यू क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन सम कंसेप्ट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बना ट्राई ट्रिग्नो और मैट्री मीन के, ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल एंड मैट्री मतलब मैट्रन, मैट्रन मीन्स द मेजरमेंट ऑफ साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल विथ रेस्पेक्ट टू द एंगल इज नॉन एज ट्रिग्नोमेट्री। नाउ सेकंड पॉइंट, इन अ ट्रिग्नोमेट्री वी यूज विच टाइप ऑफ ट्राइंगल। इन अ ट्रिग्नोमेट्री वी यूज राइट एंगल ट्राइंगल। द ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज नॉन एज राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन अ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली वी यूज राइट एंगल ट्राइंगल। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इन राइट एंगल ट्राइंगल we use Pythagoras theorem, and in a right angle triangle you know that we use Pythagoras theorem. According to this, hypotenuse square is equal to the perpendicular square plus base square, or base square plus perpendicular square. Means hypotenuse ka jo square hai wo equal hota hai perpendicular square plus base ke square ke equal. To ye teen point hai jo important hai ki trigonometry ki definition. A trigonometry hota kya, it is a measurement, it is a measure of side of a triangle with respect to its angle. Angle ke respect mein apan sides ka measurement karenge. एंड ट्रिग्नोमेट्री जो यूज होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होगी। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपन कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी मैंने बताया कि कहाँ पे लगाएंगे अपन, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक यूज। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया मैंने, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल सी इज 90 डिग्री। एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है। नाउ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, एंगल ए के बेस पे अपन अभी कैलकुलेट कर रहे हैं सारी रेशियो। फर्स्ट है साइन ए, साइन ए मतलब साइन थीटा। ये साइन ए का मतलब साइन मल्टीप्लाई ए नहीं है। बच्चे इसको बहुत कंफ्यूजन में लेते हैं कि साइन ए का मतलब साइन मल्टीप्लाई ए होगा। साइन मल्टीप्लाई ए कभी नहीं होता। साइन ए पूरी एक टर्म है, पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है कि साइन ए एक रेशियो है। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए मतलब ये नहीं है कि साइन ए से मल्टीप्लाई है, पूरी एक कंबाइंड रेशियो है। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक ए इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट ए इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेसिक, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। इसको याद रखने के लिए एक ईजीली फॉर्मूला है, एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए कि आप याद कैसे रखोगे। वो था पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले। ये एक ईजी ट्रिक है इसको याद रखने की। फर्स्ट पी अपॉन एच, जो पहला रेशियो है वो होता है साइन के लिए, जो दूसरा रेशियो है वो होता है कॉस के लिए, और तीसरा रेशियो है वो होता है टैन के लिए। तो साइन के लिए कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच, यही आ रहा है साइन थीटा के लिए, साइन ए के लिए पी अपॉन एच, कॉस के लिए बी अपॉन एच, कॉस के लिए बी अपॉन एच है, और टैन के लिए पी अपॉन एच। तो पहला वाला रेशियो है साइन, दूसरा वाला रेशियो है कॉस, और तीसरा वाला रेशियो टैन के लिए। अब इसका उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक आएगा, मतलब एच अपॉन पी कॉसेक थीटा के इक्वल है, और एच अपॉन बी, फिर अगेन कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, एच अपॉन बी कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक एच अपॉन बी होता है, और एच अपॉन पी पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले बी आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले। इसका मतलब पहला वाला साइन को देगा रेशियो, दूसरा वाला कॉस को, तीसरा वाला टैन को। अब इसका उल्टा कर दो तो ये देगा कॉसेक की वैल्यू रेसिप्रोकल करने पे, ये देगा सेक की वैल्यू, और ये देगा कॉट की वैल्यू रेसिप्रोकल करने पे। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो, पी अपॉन एच साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस थीटा को, कॉस ए को बी अपॉन एच, टैन ए को पी अपॉन बी, कॉसेक ए को एच अपॉन पी, सेक ए को एच अपॉन बी, और कॉट ए को बी अपॉन एच। एक और इंपॉर्टेंट थिंग है, ये तो फॉर्मूला तो लर्न हो जाएगा आपको, जो ट्रिक बताई उसे पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले से। नाउ इसके इन्वर्स, इन्वर्स कैसे, साइन
थीटा या साइन ए, साइन ए का अगर अपन इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ए को रेसिप्रोकल करने पे क्या आ रहा है, कॉस ए, पता लग ही रहा है पी अपॉन एच ए और यहाँ पे एच अपॉन पी ए, रेशियो क्या हो रहा है इन्वर्स, तो साइन ए का जो इन्वर्स है वो कॉसेक ए है और कॉसेक ए का इन्वर्स साइन ए, सिमिलरली कॉस ए का इन्वर्स सेक ए है और सेक ए का इन्वर्स कॉस ए, टैन ए का इन्वर्स कॉट ए है और कॉट ए का इन्वर्स टैन ए, यही फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है कि साइन ए को अपन क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए कॉसेक ए और कॉसेक ए को क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, ऐसे ही कॉस ए को लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए और सेक ए को लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, टैन ए को लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए और कॉट ए को लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए। अब यहाँ पे मैंने साइन ए लिखा है कॉस ए टैन ए, तो साइन तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ए क्या है उसका एंगल, तो ये साइन के साथ एंगल भी क्या है अटैच, इसलिए बोलते हैं इसको साइन ए या साइन थीटा, और जो एंगल है वो डिपेंड कर, जो एंगल है वो एंगल ए भी हो सकता है और एंगल बी भी हो सकता है। यहाँ पे अगर एंगल ए, अगर मैं यहाँ पे सारी रेशियो ए के अकॉर्डिंग कंसीडर करूँगा, एंगल ए के अकॉर्डिंग, तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर ट्राइंगल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर कोई सा भी आपको एंगल ए गिवन है तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और जो एक साइड बचेगी रिमेनिंग वो कौन सी हो जाएगी बेस। नाउ अगर मैं एंगल बी की बात करूं तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये डिपेंड करता है एंगल पे कि अपन को कौन सा एंगल फाइंड करना है या कौन सा एंगल गिवन है। अगर साइन ए की बात करें तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, लेकिन अगर मैं साइन बी की बात करूं मतलब एंगल बी आ जाए तो साइन बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा ए सी, तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब थीटा के सामने वाली साइड जो भी आपका एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है कि थीटा के सामने वाली साइड जो भी होगी वो परपेंडिकुलर होगी एंड 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होगी और एक जो भी साइड रिमेनिंग बचेगी वो बेस, तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि हाइपोटेनियस कौन सी होगी, बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो थीटा जो भी आपको एंगल गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसके सामने वाली साइड, अगर ए गिवन है तो ए के सामने वाली साइड बी सी है तो बी सी परपेंडिकुलर है यहाँ पे, अगर मेरे को एंगल बी गिवन होगा तो बी के सामने वाली साइड ए सी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ए के सामने वाली साइड बी सी तो ये परपेंडिकुलर, बी एंगल बी की बात करूँ बी के सामने वाली साइड ए सी तो ए सी परपेंडिकुलर है, तो डिपेंड करता है थीटा पे, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और जो भी एक रिमेनिंग साइड बचेगी वो बेस। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।